हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे आप सब? आज हम आए हैं जी पिकनिक चौक में, यहाँ पर महाजन कुल्फी वाले और किशन लाल टिक्की वाले जो हाल बाजार में इकट्ठे ही हैं। साइड में टिक्की वाले ही हैं शॉप, उनकी 70 साल पुरानी कुल्फी वाले ही शॉप है और उन्होंने अपनी ब्रांच पिकनिक चौक में खोली है। और आज हम पिकनिक चौक में आए हैं और उनसे बात करते हैं। काफ़ी फेमस है वहाँ पर, तो यहाँ पर भी रश पड़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और पूछते हैं यहाँ पर आउटलेट कितनी देर होगी खुले को? आपको भी पता है फुल एसी है और 11 बजे काम शुरू हो जाता है। और बाकी इनसे पूछते हैं कितनी देर तक करते हैं, रात को छुट्टी करते हैं। सर नाम क्या है अपना? तनिक। तनिक जी, और यहाँ जो आउटलेट खोला आपने पुलीगर चौक में, कितनी देर होगी खुले को? मैम 3 महीने। 3 महीने न्यू ही खुला है जी सुबह। और जो आपकी ब्रांच है हाल फिलहाल में, वो काफ़ी पुरानी है, 75 साल हो गए हैं उनको। और कुल्फी वाले नाम से काफ़ी फेमस है और टिक्की वाले भी साथ में फेमस है। और जहाँ पर आपने कम्बाइंड ही खोला है, इकट्ठे ही खोला है, टिक्की भी मिल जाएगी एक जगह पर और कुल्फी, वैसा ही सारा टेस्ट मिलेगा जो वहाँ मिलता है। कुल्फी खा के लोग टिक्की खाते हैं, टेस्ट भी चेंज करते हैं अपने मुँह का। और जहाँ मतलब आपने मिठाई वगैरह भी रखी उसी तरह जैसे वहाँ? ठीक है, पुराना जो हमारा। और कुल्फी क्या प्राइस की है? 90 रुपए की है। टिक्की की प्लेट? टिक्की प्लेट 40 रुपीज़ की। और वन टिक्की भी रखी हुई है? वन टिक्की 50 की। 50 की 50 रुपए की। और कितने बजे शुरू कर देते हैं ये? 12:30 खुल जाती है। 12 बजे के करीब। ठीक है, कोई आए तो मिल जाएगा। हाँ जी। और शाम कितनी देर तक रहते हैं? 11 बजे तक। 11 बजे तक 12 घंटे का हो गया ना काम? छुट्टी होती कोई? कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी कोई नहीं, संडे को भी ओपन ही है? संडे को भी। ठीक है, ग्राहक वगैरह शुरू हो गए आने? धीरे धीरे पता चल जाएगा तो आएंगे। जिनको वहाँ का टेस्ट पता वो यहाँ पर जरूर आएंगे। जो इधर रहते दूर जाते खाने के लिए, वो उधर नहीं आएंगे, इधर ही आएंगे। वो कैसे तैयार करते हैं? हमारी होती है रबड़ी की, तैयार होती है रबड़ी की, केसर पिस्ता वगैरह कटा उसमें। ठीक, काफ़ी टेस्टी होती है कुल्फी? केसर पिस्ता वाली। ठीक है, और जो टिक्की तैयार करते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं? टिक्की की जो रेसिपी है वो ये आलू, चने की दाल, मटर वगैरह सब, कम मसाला जो पड़ता है चने की दाल का। ठीक है, ऊपर चटनी वगैरह जो और पुदीने की चटनी होती है। ठीक है, और दही होता है हमारे पास, वही टेस्ट है जो वहाँ, वही बिल्कुल वही टेस्ट सेम ही होगा। ठीक है, एक्चुअली सारा मटेरियल उधर से आता है। ठीक है, आप यहाँ पर मतलब बनाते ही हैं? हाँ, यहाँ सिर्फ सर्व होता है, बनाना और सर्व। स्वीट्स की कैंडी देखिए, काफ़ी मिठाई बना के रखी हुई इन्होंने, आपको दिखाते हैं। सर बताएं कौन कौन सी? ये मिल्क केक है जी, ये रोस्टेड बर्फी है, रोस्टेड बर्फी हो गई, ये बेसन पिनी, बेसन पिनी हो गई, पतीसा, ये चॉकलेट हमारी जो फेमस है वहाँ भी मिलती है, काफ़ी लोग लेके जाते हैं। ये बेसन की पिनी। ठीक है, बेसन की पिनी जो होगी। ठीक है जी, और कैसे केजी मिलती है? ये 600 रुपये तकरीबन 600 रुपये। कोई 19-20 का फर्क हो जाएगा, बाकी 600 रुपये। उन्होंने चिड़नी भी रखी है, ठंडे रसगुल्ले, गुलाब जामुन भी रखी है, रबड़ी भी रखी है और माँ की दाल की पिनियाँ भी रखी है। काफ़ी वैरायटी है, अगर आप आएंगे तो आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। आप ज़रूर आएँ इधर कुतली का चौक में, महाजन कुल्फी वाले नाम से ये काफ़ी फेमस है। कुल्फी देखे ही तैयार होने वाली है, प्लेट में निकाली है भैया ने, अब इसको कट लगाएंगे। और इसके ऊपर क्या आएगा जी? फलूदा है जी, फलूदा आएगा। ठीक है, कफीरा गूंद हो गया, रबड़ी हो गया, कफीरा गूंद हो गया, थोड़ा डब्बे को इधर करके दिखाया ना। ठीक है, प्लेट? हाँ जी, तैयार हो गया। कितने की बन गई प्लेट? 90 रुपए की। हम कुल्फी के कच्चे में आए हैं, काफी हमारी गुड़ की चटनी है जी, और ये दही है जी, ये दही आ गया ऊपर, और सैलेड है। ठीक है, प्याज और गाजर है, गाजर और ये बात। प्लेट तैयार होने वाली है, ये फ्राई हो गई है जी, ये
रिफाइंड कौन सा बरते हैं? नहीं जी डालडा घी बरते हैं। इसमें रिफाइंड चनी बनाते हैं जी। डालडा घी में इसमें ज्यादा अच्छी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है। टिक्की हमेशा डालडा घी में, डालडा में इसकी प्लेटिंग हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा आ गया सैलेड, आ गया जी प्याज गाजर चुकंदर डली हुई, ये चटनी आ गई, और जो पुदीने वाली चटनी आ गई खट्टी मीठी जो, और जो दही आ गया। कितने की प्लेट तैयार हो गई जी? 40 रुपए, 40 रुपए की। अगर किसी ने पान टिक्की लेनी है वो 50 रुपए की है। देने वाली चटनी डाली है, गुड़ वाली चटनी डाली है, दही डाला है, सैलड डाला है, गाजर है, चुकंदर है, प्याज है, और काफ़ी आपको हमें दिखाई काफ़ी गर्मा गर्म जो टिक्की है। अगर आप इधर आए तो टिक्की भी ट्राई जरूर करें। ये सैलड देखो, टिक्की बिल्कुल सॉफ्ट है, चने की दाल उसमें पड़ी हुई है। ये देखें बड़ी सी बैठ, बहुत ही सॉफ्ट, नमक मिर्च बिल्कुल गाज वाव, लाइट बिल्कुल, कोई भी खा सकता है आसानी से, कुछ ये नहीं कि मिर्ची ज़्यादा है, आप मुँह ला के बैठ जाएँ, बिल्कुल लाइट है। अगर आप एक प्लेट खाएंगे दूसरे भी खाना चाहेंगे आप, अगर इधर आएँ तो ये ट्राई जरूर करें। और इसके बाद हम खाएंगे कुल्फी, कुल्फी में इन्होंने डाला जी फलूदा डाला है और गूंद डाली है, ऊपर इन्होंने रबड़ी डाली है और नीचे कुल्फी आ गई है पिस्ता बादाम वाली। 90 रुपए की ये प्लेट है और जी देखिए कितनी बढ़िया बनी है। कुल्फी इनकी बहुत ही मज़ेदार दानेदार कुल्फी है, थोड़ा इन्होंने खूब डाला है बनाने के लिए, ऊपर जो रबड़ी डाली है वो और टेस्ट फूड आती है, जो फलूदा है गूंद है वो भी टेस्टी लगता है। अगर आप इधर पुत्री अगर चौक में आएँ तो मालिन कुल्फी वालों के नाम से ये फेमस है, तो इकट्ठी आपको शॉप मिल जाएगी, टिक्की भी मिलेगी, कुल्फी भी मिलेगी, मिठाई भी मिलेगी, तो आप यहाँ ट्राई जरूर करें। और आस पास में जो लोग हैं यहाँ पर आ सकते हैं, आप यहाँ जाने की जरूरत नहीं, जो स्पेशल जाते हैं जिनको टेस्ट लगता है, आप इधर पुतली का चौक में आएँ महाजन स्वीट्स वालों के पास, और ये दोनों चीज़ें ट्राई करके जाएँ। और सुबह 12:30 बजे काम शुरू हो जाता है, रात के 11:30-11 बजे तक रहते हैं, छुट्टी कोई नहीं करते, आप आसानी से आ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।